परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और बार उसने अवसर दिया कि एक और वचन लेके आऊं आप लोगों के मध्य में। आज हम देखेंगे मत्ती 15 का 1 से लेके पढ़ते हैं। तब यरूशलेम में कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपरा का क्यों टालते हैं? वे बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है, तो वह अपने पिता का आदर न करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है कि वे लोग होंठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह बैठा है और उसके पास क्या हुआ, शास्त्री और फरीसी आकर कहने लगे कि तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को वो सिखा रहे हैं, कौन, शास्त्री और फरीसी, उनको ज्ञान दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि तेरे चेले परंपराओं को नहीं मानते, तेरे चेले पूर्वजों की जो परंपराएं व्यवस्था में लिखी गई हैं इन व्यवस्थाओं को नहीं पालन करते। क्योंकि यहूदी कस्टम के अनुसार उस समय कैसा था कि यदि आप बाजार से आए हो तो आपको आके नहाना है, हाथ धोने, उसके बाद आपको खाना खाना है। यदि आप कहीं से भी आए हैं वैसे भी खाना खाने बैठते हैं तो भी आप हाथ वगैरह धोए। शारीरिक शुद्धता के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते थे, ना कि आत्मिक शुद्धता के ऊपर। यहाँ पर यही है, प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहता कि बिना हाथ धोए खाना खाएं, वो ये बोलता है कि आप अपने मन को शुद्ध पहले करें, ना कि शरीर को। आप अपने मन की शुद्धता पे ज्यादा ध्यान दें, ना कि बाहरी ढोंग को। परंपराओं में हम लिपटे रहते हैं और असली महत्व भूल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर शास्त्रियों ने करा। क्या बोला था परमेश्वर ने उनको, एक और चीज बोली प्रभु यीशु मसीह ने, क्या, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि अपने माता पिता का आदर करना, और जो कोई माता पिता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। अगर हम पुरानी परंपराओं को देखते हैं तो निर्गमन के अंदर प्रभु परमेश्वर साफ साफ कहता है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाएं जो मिली हैं उनके आधार पर पिता और माता का आदर करना है, ना केवल उनको सम्मान देना है बल्कि उन्हें बुरा भी नहीं कहना। यदि हम बुरा भी कहते हैं तो भी मार डाला जाए, ऐसा वचन है परमेश्वर का कि हमें माता पिता का आदर कितना महत्व है उसका आदर करना। तो वो बोलते हैं, तुम वो तो करते नहीं हो और तुम दूसरी बातों को मेरे सामने लाके अपने आप को धर्मी सिद्ध करना चाहते हो। आज भी मनुष्य परमेश्वर के पीछे चलाना छोड़ के परंपराओं को मानने लग गया है। परमेश्वर के वचनों को सुनना उसे पसंद नहीं है, उसको रीति रिवाजों को मानना पसंद है, रीति रिवाजों से बंधा हुआ है, इससे वो अपने आप को धर्मी बनाना चाहता है। क्योंकि यहाँ लिखा है, यशायाह परमेश्वर यीशु मसीह साफ कहता है कि तुम्हारे लिए हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक की है कि वे लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ऐसे बहुत सारे हैं जो होंठों से प्रभु यीशु मसीह का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पर उनका मन उससे बहुत दूर है। लोगों को दिखाने के लिए क्या करते हैं, वो प्रेज लॉर्ड हालेलुया बोलते रहेंगे, और पर उनका जो मन है वो वचन पर नहीं लगता, उनका मन इससे बहुत दूर है। वो प्रभु की सही शिक्षा के पीछे नहीं चल रहे, वो आडंबर, वो दिखावे को अपना ओढ़ना बांध के चले हुए हैं। वो अपने धार्मिकता को ओढ़ के चलते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि हम बहुत ज़्यादा धर्मी हैं। ऐसे लोगों के लिए साफ बोलता है प्रभु यीशु मसीह कि वो कौन है, कपटी हैं, उनके मन में कपट है। एक जगह लिखा है कि तुम लोग क्या करते हो,
बर्तन को बाहर बाहर से मांजते हो, अंदर से तुम्हारा बर्तन गंदा है। यानी कि हमारा जो शरीर रूपी ये जो मिट्टी का बर्तन परमेश्वर ने दिया है हमें, ये हम बाहर बाहर से साफ करते रहते हैं। हमारे मन के अंदर कपट है, हमारे मन के अंदर दुष्टता भरी रहती है। हम ऊपर से तो प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बोलते हैं, पर अंदर मन के अंदर उस व्यक्ति से घृणा रखते हैं, कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा धर्मी बनता है। हम दूसरों की धार्मिकता, दूसरों को वचन में बढ़ते हुए देख नहीं पाते। इसलिए वो कहता है प्रभु कि तुम मेरा आदर करते हो होंठों से, पर मन से मेरे से दूर हो। अगर एक सच्चा मसीह है तो दूसरे मसीह को मसीह जीवन में आगे बढ़ते हुए देखकर उसे प्रसन्नता होनी चाहिए। पर हम क्या करते हैं, उसकी प्रसन्नता तो बहुत दूर की बात, हम उसके ऊपर जीवन के बारे में हम आलोचना करते हैं, कितने पाप करता था हमें सब मालूम है। पर वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आया है। अगर हम धर्मी बन के बैठे रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के लिए आया है, और कहता है वो कि वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। ऐसी उपासना मुझे कोई मतलब नहीं, ऐसी उपासना से वे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ऐसी उपासना करते रहो भले वो जीवन भर, उसके बावजूद भी मैं उनको नर्क में ही डालूंगा। क्योंकि साफ कहता है वो कपटियों, और एक भी स्वर्ग राज्य में एक भी कपटी नहीं जाएगा, एक भी दुष्ट व्यक्ति स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। हम अगर परमेश्वर का नाम चादर पे लिख के ओढ़ के घूमते रहेंगे तो हमें उससे उद्धार नहीं मिलेगा। यदि हम परमेश्वर का लोगों को दिखाने के लिए उसका नाम बार बार लेते रहेंगे तो उससे हमें उद्धार नहीं मिलेगा। अगर हम अपने मन से जब तक उसको नहीं स्वीकारेंगे, जब तक हम हमारे मन को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर का उद्धार हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि मनुष्य को विधियों को वो धर्म उपदेश करके सिखाते हैं, वो खुद ने बनाई हुई विधियां हैं, वो खुद ने बनाई हुई परंपराएं हैं, उनको वो क्या कहते हैं कि ये धर्म उपदेश है, ये प्रभु का वचन है, इनको आप माने। उनको डरा देते हैं, धमका देते हैं कि उनको माननी पड़ती है उन विधियों को। ऐसे लोगों से परमेश्वर को बहुत ज़्यादा घृणा है, जो वचनों को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रभु नहीं चाहता इसमें के लोग, प्रभु सिर्फ यही चाहता है कि वह अपने मन से प्रभु को सम्मान दे, दिखाने के लिए वो ना करें। हमारे जीवन के अंदर भी हमें यही करना है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह का वचन पढ़ते हैं तो दूसरों को बताने के लिए ना पढ़ें, हम आयतों को निकाल के दूसरों को लज्जित करने के लिए ना निकालें, हम अपने आप को अपने जीवन के अंदर सुधार लाने के लिए सब होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को बचाने इस पृथ्वी पर आया है। हम दूसरों का न्याय ना करें, क्योंकि उसने हमें न्याय नहीं ठहराया। प्रभु यीशु मसीह का काम है सबका न्याय करना, पर हम क्या करते हैं, हम बैठ के हर किसी के लिए गलत गलत बातें बोल के अपने आप को प्रभु यीशु मसीह से दूर ले जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से हम अपने मन के अंदर सोचते हैं वैसे ही हमारा स्वभाव बन जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहें, बहुत ज़्यादा सावधान रहें कुछ भी किसी के लिए बोलने से पहले, क्योंकि हमारा चरित्र हमारे वचनों द्वारा प्रकट होता है। यदि हमारे चरित्र के अंदर ये स्वभाव आ चुका है कि जब तक हम चार आदमी की बुराई ना करें हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम प्रभु यीशु मसीह के नज़दीकी में नहीं हैं। हम दूसरों की बुराइयों को उजागर ना करें, उनको उनके लिए प्रार्थना करें ताकि हम उनकी बुराइयों को ख़त्म कर सकें। यदि एक अच्छा सही मसीह है तो उसके हर एक व्यक्ति के लिए वो प्रार्थना करता है, पर सभाओं के अंदर उसकी बुराइयों की प्रार्थना ना करें, एकांत में उसकी बुराइयों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु तूने इसको इतना सुधारा है, अब मैं चाहता हूँ ये पूरा सुधर जाए और वचन में ये आगे बढ़ता जाए। क्योंकि हर एक मसीह के जीवन में ये बोझ होना चाहिए कि दूसरा मसीह, दूसरा व्यक्ति नर्क में ना जाए, वो स्वर्ग राज्य में ही जाए। जब ऐसा होगा तब हम मसीहत में आगे बढ़ते जाएंगे। और आगे लिखा है कि तब उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को शुद्ध अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। अब उसने बता दिया कि तुम खा रहे हो, जो भी खाते हो उससे तुम अशुद्ध नहीं होते। अशुद्ध कैसे होते हो, जो मुंह से निकलता है। हमारे मन के अंदर जो कड़वाहट भरी हुई दूसरों के प्रति, अगर वो
कड़वाहट हम निकालते हैं तब हम अशुद्ध बनते हैं। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया कि हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में जाएंगे। प्रभु साफ साफ कहता है कि ऐसे लोग जो धर्म को ओढ़े रखते हैं, जो धर्म को दो लोगों को दिखाने के लिए, लोगों से प्रशंसा पाने के लिए ऐसे काम करते हैं, परंपराओं को निभाते रहते हैं ताकि दूसरे लोग हमारी प्रशंसा करें, तो ऐसे लोग क्या हैं? अंधे मार्गदर्शक हैं। और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। मैं ये साफ साफ कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के अगर हमें नजदीकी में आना है तो हमें प्रार्थना में समय बिताना अनिवार्य है। हम जितना ज़्यादा प्रार्थना में समय बिताएंगे, अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे और उसके रिश्ते को सुधारता जाएगा। क्योंकि जब हम घुटनों पर आते हैं तब हम अपने आप को नम्र करते हैं उसके करीब जाने के लिए, और जीवन में जब तक नम्रता नहीं है तब तक हम उसके नज़दीकी में नहीं जा सकते, क्योंकि उसको घमंड से चढ़ी हुई आँखें बिल्कुल पसंद नहीं है। मनुष्य थोड़ा सा भी ज्ञान क्यों ना प्राप्त कर ले, वो तुरंत घमंड से भर जाता है। जीवन के अंदर हम यही प्रयास करें कि हमारे जीवन में कभी अभिमान, कभी घमंड ना आए, क्योंकि यदि हम घमंडी बन गए तो फरीसी और हमारे मध्य में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। फिर प्रभु जिस तरह से फरीसियों को बोलता है कपटी, उस तरह से वो हमारे लिए कपटी बोलेगा। और मैं नहीं चाहता कि एक भी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के प्यार से वंचित रहे। मैं नहीं चाहता कि एक भी मनुष्य उसके बलिदान का फायदा ना उठाए। उसने हमारे लिए बलिदान दिया ताकि हम जिएं। उसकी कोड़ों ने हमें चंगा किया है, उसकी जो मार पड़ी उससे हम सुधरे हैं। तो प्रभु की इन वचनों से हम यही सीखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर मन से हम प्रभु को स्वीकारें, ना कि दिखावे के लिए, ना कि परंपराओं से अपने आप को बांधे रहें और परमेश्वर से अपने मन को दूर करें। क्योंकि परमेश्वर हमें मन से प्यार करता है और हमें भी उसको मन से प्यार करना है। यहाँ पर साफ लिखा है कि जो मुंह में आता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। हम कुछ भी खाते हैं उससे हमारा शुद्ध और अशुद्ध होना तय नहीं होता, क्योंकि हमारा खाना से हम अशुद्ध नहीं होते, पर हम जो मन से निकालते हैं बुराइयां उससे हम अशुद्ध होते हैं। हमारे जीवन के अंदर हम ये बात को ग्रहण करें कि हम वचन जो भी बोलें सोच समझ के बोलें। हम हर किसी को आशीष ही दें, हम हर किसी के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। प्रार्थना एक ऐसा हथियार है मसीहों के लिए कि वो परिस्थितियों को बदल सकता है। प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो भी काम करा उससे पहले प्रार्थना करी। उसने 5,000 लोगों को खाना खिलाया उससे पहले रोटी लेके ऊपर धन्यवाद दे के प्रार्थना करी। उसने जब क्रूस पर बलिदान होने वाला था उससे पहले उसने प्रार्थना करी और अपने आप को परखा। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह 100% शुद्ध होने के बावजूद प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता है, तो हमारे को उससे अच्छा रिश्ता अगर निभाना है तो हमें निरंतर रूप से प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना पड़ेगा। क्योंकि पिता से बात करने का, हमारा पिता से अपना निवेदन पहुँचाने का एकमात्र जरिया है प्रार्थना। इस प्रार्थना को हम कभी ना भूलें, प्रार्थना में लगे रहें, अपने मन से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, ना कि दिखावा करें, परंपराओं में बंधे रहें, पर अपने आप को जांचें। और यदि कोई हमारे अंदर कोई कमी हमें अगर महसूस होती है तो उसके लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे पूर्ण रूप से तेरे पीछे चलने वाला दास और दासी बना, ताकि मैं अपने जीवन को निरंतर बदलती जाऊँ या बदलता जाऊँ, और मैं आगे से अब कभी भी पाप ना करूं, दूसरे के लिए कभी बुराई ना करूं। परमेश्वर का इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। धन्यवाद।